हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्कल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 5 मैंने फिल इन द ब्लैंक से लिए हैं और 10 क्वेश्चन आपके एंटोनिम सिनोनिम से और 5 ईडियम से। तो ये 20 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, सुमन हैज़ डैश फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द कंपटीशन। इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्वालिफाइड, बिकॉज यहाँ पर आगे प्रपोजिशन दी हुई है फॉर, तो क्वालिफाई के बाद फॉर का यूज करेंगे, क्वालिफाइड फॉर। और किसी भी कंपटीशन के मतलब राउंड को क्लियर करने को बोलते हैं क्वालिफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा क्वालिफाइड, क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द कंपटीशन। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर सपोर्टर्स बिगिन टू डैश एंड सी वाज लेफ्ट अलोन। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल अवे, ठीक है, बिगन टू फॉल अवे, मतलब इसका मतलब यह कि छोड़कर जाना, उन्होंने शुरू कर दिया था, छोड़कर चले जाना, फॉल अवे। और सी वाज लेफ्ट अलोन, और वह अकेली रह गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा फॉल अवे। आगे देखते हैं यहाँ पर, नो डैश देन 15 बॉयज फेल्ड इन ए क्लास ऑफ 40। इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है देन, और देन किसके बाद आता है, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर लेस और फ्यूवर दो दी हुई है कंपैरेटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेस का यूज करते हैं अनकाउंटेबल चीज के लिए, जबकि यहाँ पर बॉयज है, तो यहाँ पर इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि बॉयज क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, उनको गिना जा सकता है, और इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा फ्यूवर। तो यहाँ पर आ जाएगा नो फ्यूवर देन 15 बॉयज फेल्ड इन ए क्लास ऑफ 40। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, सानिया वाज कंपेंसेट डैश द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट। इसमें आपको बताना है कौन सी इसमें प्रपोजिशन रहेगी। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर कंपेंसेट फॉर, कंपेंसेट के साथ हमेशा प्रपोजिशन फॉर का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है मुआवजा, कंपेंसेट फॉर मतलब मुआवजा देना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर, सूरज इज अक्वाइंटेड डैश कपिल। तो इसका आंसर रहेगा विद, अक्वाइंटेड के साथ विद का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब होता है परिचित होना, ठीक है, अक्वाइंटेड विद। तो यहाँ पर ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे। आगे देखते हैं, यहाँ पर 5 सिनोनियम आपको बताने हैं शुरू में। तो पहला शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है अमेच्योर, अमेच्योर का मतलब होता है अनुभवहीन, यानी जिसने अभी किसी चीज़ की शुरुआत की हो, जिसको इतना कार्य में अनुभव ना हो, उसको बोलते हैं अमेच्योर, तो यानी बिगनर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पर गमशम, तो गमशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बुद्धिमानी, यानी बुद्धिमानी को बोलते हैं गमशन, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्यूमेन। नेक्स्ट है लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी किसी चीज़ को छोटा करके लिखना या बताना, उसको बोलते हैं लैकोनिक, संक्षिप्त, और इसका आंसर रहेगा कंसाइज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वैलेडिक्टरी, वैलेडिक्टरी का मतलब होता है प्रस्थान या फिर विदाई, उस सेंस में हम यूज करते हैं वैलेडिक्टरी को, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टर्मिनल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पर डिनोयमेंट, तो डिनोयमेंट का मतलब होता है डिनोयमेंट, इसका मतलब होता है समाप्ति या फिर अंतिम परिणाम, ये कह सकते हैं आप इसको, तो क्लीमैक्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लीमैक्स। आगे देखते हैं यहाँ पर एंटोनियम बताने हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर बुकोलिक, बुकोलिक का मतलब होता है एक बुकोलिक मीन्स होता है देहाती या फिर ग्वालों से रिलेटेड होता है, और इसका आंसर रहेगा यहाँ पर फियर्स, ठीक है, फियर्स इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कंपेंडियम, कंपेंडियम का मतलब होता है सार संग्रह, ठीक है, सार संग्रह उसको बोलते हैं कंपेंडियम, और इसका आंसर रहेगा एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। नेक्स्ट है चेस्टाइज, चेस्टाइज का मतलब होता है सजा देना, किसी को सजा देना, डांटना, उसको बोलते हैं चेस्टाइज, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
प्रेज यानी किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर डोंट। डोंट का मतलब होता है डराना, किसी को डराना धमकाना किसी को, उसको बोलते हैं डोंट। और इसका आंसर हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनकरेज यानी किसी को साहस, मतलब साहस देना किसी को। आगे यहाँ पर ओब्लिवियस। ओब्लिवियस का मतलब होता है अनजान, मतलब किसी चीज से बेखबर होना, अनजान होना, उसको बोलते हैं ओब्लिवियस। और इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियम कोशियस यानी सचेत होना। तो ये सिनोनियम और एंटोनियम थे। आगे देखते हैं इडियम्स। इडियम्स और देखते हैं यहां पर, तो पहला इडियम्स यहां पर लिखा हुआ है एन आयरन विल। एन आयरन विल तो इसका मतलब होता है कि एक ए फर्म ओपिनियन यानी एक मजबूत ओपिनियन। ए आयरन विल का मतलब होता है एक मजबूत ओपिनियन, एक मजबूत ओपिनियन कह सकते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, एन आयरन विल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यहां पर गेट इनटू ए शॉप। गेट इनटू ए शॉप इसका मतलब होता है चीजों को मुश्किल कर बनाना, किसी चीज को मुश्किल डिफिकल्ट बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं गेट इनटू ए शॉप यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा, टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट। आगे देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है हैवल आवर द कॉल्स, इसमें आपको बताना है क्या आंसर रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा टू स्कॉल्ड यानी डांटना धमकाना, उसके लिए यूज करते हैं होल ओवर द कॉल्स। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यहां पर लिखा हुआ टू कैरी द डे। टू कैरी द डे इसका मतलब होता है सफल होना यानी टू सक्सीड, सफल होना। टू कैरी द डे का मतलब होता है सफल होना, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टू सक्सीड। नेक्स्ट है गो ओवर। गो ओवर का मतलब होता है निरीक्षण करना किसी चीज का, किसी चीज का निरीक्षण करना यानी रिव्यू करना, तो उसके लिए यूज करते हैं गो ओवर। गो ओवर मीन्स किसी चीज का निरीक्षण करना, रिव्यू करना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन थे, इसमें मैंने 5 idioms और 5 fill in the blanks एंड 10 antonym synonym देखे। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।